मोदी है तो मुमकिन है, मुमकिन है नहीं, ईवीएम है तो मोदी है। अच्छा, ईवीएम हट जाए तो मोदी पता नहीं लगे कहाँ चले जाएंगे, कौन सा उन्होंने विकास ऐसा करवा दिया। ब्राह्मण जैसे रोजगार तो मिलेगा ना, किसको रोजगार, वो ब्राह्मणों के हाथ में उसकी चाबी है, किसको रोजगार मिलेगा। 85% जिस दिन यहाँ भूखे नंगे घूमेंगे इस देश के क्या हालात होंगे। हमारी रिजर्वेशन उन्होंने खत्म कर दिया, कर्मचारियों की पेंशन खा गए, खुद पेंशन पे जी रहे हैं। जिस दिन इस देश के 85% लोग भूखे नंगे घूमेंगे तो इनकी सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। नहीं, उन्हें एमएसपी चाहिए तो क्यों आंदोलन कर रहे हैं, उनका रास्ता क्यों असुगोस के उनको ऐसे टारगेट किया जा रहा है जैसे वो आतंकवादी इस देश के निवासी ही ना हो। राम मंदिर बनवाया तो इनको आपको मस्जिद भी बनवाना चाहिए, गुरुद्वारा भी बनवाना चाहिए, बौद्ध विहार भी बनवाना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर। कहाँ बनवा रहे हैं मस्जिद बताइए आप, राम मंदिर के नहीं मस्जिद बताइए आप। जिस स्तर का ये उन्होंने औजाल फैलाया, आडम्बर फैलाया मंदिर के लिए, मस्जिद कहाँ बनवा रहे हैं, गुरुद्वारा कहाँ, चर्च कहाँ बनवा रहे हैं। क्या ईसाई यहाँ के देश के लोग नहीं, मुसलमानों ने यहाँ कुर्बानियाँ नहीं दी, बौद्धिस्टों ने यहाँ कुर्बानियाँ नहीं दी, तो हिंदू राष्ट्र क्या था, तो फिर वो संविधान विरोधी हुए कि नहीं हुए। इसका मतलब वो देशद्रोही है, उनको तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं NCR समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं NCR समाचार। आपको जिसे पता है कि आज युवा यानी कि यूथ कांग्रेस से यह आंदोलन शुरू किया कि ईवीएम हटाओ और लोकतंत्र बचाओ। लगातार विपक्ष जो है ईवीएम हटाने की मांग कर रहा है और बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ आंदोलन करने वाले लोग हैं जो यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे आज ईवीएम हटाओ को लेकर, उत्तर प्रदेश से आए हुए, सीधा बातचीत करेंगे। सर, क्यों ईवीएम हटाने की बात कर रहे हैं? ईवीएम आप समझ सकते हैं कि पहले उन्होंने एक नारा दिया था कि अब की बार 300 पार हो गए, इस बार दे रहे हैं 400 पार हो गए। तो बिल्कुल जो वो कहते हैं कि मोदी जी कहते हैं कि मोदी है तो गारंटी है, तो मुमकिन है, मुमकिन है नहीं, ईवीएम है तो मोदी है। अच्छा, ईवीएम हट जाए तो मोदी पता नहीं लगे कहाँ चले जाएंगे, क्योंकि ये देखो ये युवा है, इनकी भर्ती पेंडिंग पड़ी हुई है। हाँ। किसान परेशान है। इस देश में कोई भी व्यक्ति तो आराम से नहीं ये जीने दे रहे हैं। आप समझिए, संविधान को एक ताक पे रखे हैं, बुलडोजर चलवा रहे हैं। कोई संविधान में ऐसा नियम है? मान लीजिए केस ट्रायल पे आता है, ट्रायल पे वो बाइज्जत बरी कर देते हैं, तब उसकी भरपाई कौन करेगा? 400 पार का नारा इसलिए दे रहे हैं ना, काम करे उन्होंने 900 क्या काम किया आप बता दीजिए, आप तो मीडिया है, चौथा स्तंभ है देश में, उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने हाँ योजना दी है, अग्निवीर योजना दी है, प्राइवेटाइजेशन की योजना दी है, उन्होंने राम मंदिर बनवाए हैं, उससे आम जनता का क्या भला हुआ? कौन सा उन्होंने विकास ऐसा करवा दिया? ब्राह्मण जैसे रोजगार तो मिलेगा ना, किसको रोजगार, वो ब्राह्मणों के हाथ में उसकी चाबी है, किसको रोजगार मिलेगा। 85% जिस दिन यहाँ भूखे नंगे घूमेंगे इस देश के क्या हालात होंगे। हमारी रिजर्वेशन उन्होंने खत्म कर दिया, कर्मचारियों की पेंशन खा गए, खुद पेंशन पे जी रहे हैं। जिस दिन इस देश के 85% लोग भूखे नंगे घूमेंगे तो इनकी सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। अगर आरक्षण की वजह से हमारी तरक्की नहीं, 5 साल के लिए 5 किलो आप तो दे रहे हैं। आप यहाँ दिल्ली में हैं, अभी जाके ग्रामीण क्षेत्र में राशन से तो मकान बना रहे हैं। तुम कह रहे हो कि हमारे यहाँ भुखमरी कम होगी, तो फिर तुम 70 करोड़ लोगों को क्यों राशन दे रहे हो? अगर भुखमरी कम होगी 80 करोड़ को क्यों दे रहे हो? अगर भुखमरी आप कह रहे हो हमारे भुखमरी कम होगी और राशन भी एक तरफ दे रहे हो, तो इसका मतलब भुखमरी है ना। राशन तो पहले कांग्रेस भी देती थी, बीजेपी ने क्या दे दिया, तो उसने क्या गलत कर दिया? अरे क्या गलत कर दिया? कांग्रेस एक राशन अलग से चलता था, वो राशन कार्ड दे तो हर आदमी को 5 किलो दे रहे हैं 31 मार्च तक। वो तो जो भी योजना चला रहे हैं वो भगवान में भी अपना, जो आस्था में भी अपना राजनीति देख लेते हैं। भारत रत्न में भी उन्होंने राजनीति देख ली, एकदम जाति आंकड़े पर फिट करके रखे है, मतलब जादूगर टाइप के लोग हैं। और इसका सबका समाधान है, अगर ईवीएम ना हटा तो इस देश में पुनः मनुविधान चालू हो जाएगा। मनुविधान में क्या था कि एक विशेष जात के लोगों को पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार था, विशेष जात के लोगों को सीमा सुरक्षा का अधिकार था, तो वही व्यवस्था आ जाएगी। और इस देश में आज आप यूथ कांग्रेस में खड़े हैं, कांग्रेस ने ही शुरुआत की थी। देखिए, मैं कोई यूथ कांग्रेस का नहीं हूँ, मैं ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन यूपी का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। मैं अधिकारी कर्मचारी सोशल वर्कर का जो संगठन है जिसके चेयरमैन डॉक्टर उदित राज जी, हम लोगों को प्रदर्शन। कौन सी पार्टी से आते हैं? बात पार्टी नहीं, पहले संगठन है उसके बाद पार्टी है। जो पहले उदित राज जी ने
1997 में परिसंघ बनाया था। तो आज आंदोलन जो हो रहा है ईवीएम हटाओ मोर्चा के नेतृत्व में, ना कि कांग्रेस के नेतृत्व में, ये सारे लोग हमारे सहयोगी है। तो कांग्रेस नहीं चाहती कि ईवीएम हटे? नहीं, कांग्रेस चाहती है, हमारे सहयोग में है। तब तो उन्होंने जब हमारा धरना वहाँ कैंसिल किया है, धारा 44 का हवाला देके, तब तो उन्होंने हमें संरक्षण दिया कि हाँ कि आप इकट्ठे हो सकते हैं, यहाँ से हमारी गिरफ्तारियाँ की गई, हमारे सर लीडर गिरफ्तार कर दिए। कांग्रेस चाहती है कि ईवीएम हटे, तो राहुल गांधी न्याय यात्रा क्यों कर रहे हैं? फिर ईवीएम हटाए यात्रा करे ना। अब वो अपना एक उनका एक पार्ट था, न्याय यात्रा का पार्ट टू था अपना, वो कर रहे हैं। उसके बाद ईवीएम हटाओ यात्रा भी करेंगे। अच्छा। उसके लिए तो जब तक जनता सड़क पर नहीं, देखिए ऐसा है पार्टियों का तो उनका एक रहता है, क्योंकि जो मीडिया भी है उन्हीं का है सारा जनता। आप लोग तो अलग है, हम लोगों की बात दिखा देते हैं ना, मोस्टली मीडिया उनके एजेंट बन के काम कर रहा है। तो अगर जनता जब सड़कों पर नहीं उतरेगी तब तक कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। पार्टियों कह देंगे उनका विरोध करना काम है। अब ये जो दिख रही है जनता है, वोटर है, हम इस देश के वोटर हैं। पार्टी तो खुश है ना मोदी जी से? जनता कौन सा खुश है? वो तो आप भाई सीधी सी बात है, कौन खुश है? आप कभी जाके साल बेमिसाल रहे जनता की, वो किसानों से पूछिए, किसानों से पूछिए। आज ही मोदी जी ने बोला किसानों नहीं बोलने के लिए तो, अरे भाई जिसका हम खा रहे हैं सम्मान निधि का 2000 में कौन सा सम्मान मिल जाएगा? आप बताइए, इतनी महंगाई है, सिलेंडर 1100 रुपए का है, सम्मान मिल जाएगा? मैं उज्ज्वला योजना है सर, वहाँ उन्होंने सब बेच दिए, ऐसे रखे हुए हैं सिलेंडर, फ्री सिलेंडर देने का वादा किया, क्यों नहीं दे रहे? अच्छा ये बताइए यूपी के किसानों की क्या हालत है, उन्हें एमएसपी चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं, उन्हें एमएसपी चाहिए तो क्यों आंदोलन कर रहे हैं? उनका रास्ता क्यों आंसूघोष के उनको ऐसे टारगेट किया जा रहा है जैसे वो आतंकवादी इस देश के निवासी ही ना हो? और आप जो है पूरा यहाँ पाखंड फैलाए हुए, ऐसा भारत में पहला प्रधानमंत्री जो हम संविधान में शपथ लेते हैं कि हम इस देश के भारत के लोग पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष, ये हमारे देश की वो है। आप एक एक वर्ग को पढ़ाओ, क्या आपने राम मंदिर बनवाया तो एक आपको मस्जिद भी बनवाना चाहिए, गुरुद्वारा भी बनवाना चाहिए, बौद्ध विहार भी बनवाना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर। कहाँ बनवा रहे मस्जिद बताइए आप? राम मंदिर के दो नहीं, मस्जिद बताइए आप। जिस स्तर का ये उन्होंने भौजाल फैलाया, आडम्बर फैलाया मंदिर के लिए, मस्जिद कहाँ बनवा रहे हैं? गुरुद्वारा कहाँ, चर्च कहाँ बनवा रहे हैं? क्या ईसाई यहाँ के देश के लोग नहीं, मुसलमानों ने यहाँ कुर्बानियां नहीं दी, बौद्धिष्टों ने यहाँ कुर्बानियां नहीं दी? हिंदू राष्ट्र की मांग तो करती है। तो हिंदू राष्ट्र क्या था? तो फिर वो संविधान विरोधी हुए कि नहीं हुए? इसका मतलब वो देशद्रोही है, उनको तो फांसी चढ़ा देना चाहिए। जो संविधान को नहीं मानता है, वहाँ कहीं संविधान में हिंदू जैसे शब्द का कोई प्रयोग नहीं है। जब उसमें सीधी प्रस्तावना लिखा कि हम भारत के लोग हैं, तो हम तो इस देश में देख रहे हैं आज तक मुझे कोई भारतीय मिला ही नहीं है। आप पत्रकार हैं, महिला हैं, इस चीज को आप आगे उठाइए, आगे ले जाइए कि बाबा साहब का जब संविधान लागू हुआ तब आप जैसे लोग यहाँ निकल के आए, नहीं तो चार वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। आंदोलन आप चार दीवारी में होकर कर रहे हैं, क्या प्रभाव डाल पाएगा? चार दीवारी नहीं, हम जंतर मंतर पर कर रहे थे भाई, हम जाने कहाँ दिया, हमारे लोग गिरफ्तार कर लिए गए सैकड़ों संख्या, हम लोग छिपके आए हुए हैं उत्तर प्रदेश से, स्टेशन पर रोक लिया गया, पुलिस छावनी बना दी गई। अगर हम ये टोपी तो यहाँ लगाए है ना, बाहर होते पकड़ लिए जाते। हाँ, आप तानाशाही है, हिटलर जैसा शासन है, आप कुछ भी करेंगे। ये चाइना रूस जैसा हालात होने वाला है, अगर 24 में ये ईवीएम है तो मोदी आ जाएंगे, नो डाउट। राहुल गांधी जी ने फर्स्ट में यात्रा की, क्या हुआ? सर्वे सारे बता रहे, खुद भी बीजेपी के लीडर बता रहे थे एमपी हम हार रहे, फिर क्या हुआ? अभी एमपी में कैंडिडेट का वो कह रहा है हमारा वोट ही नहीं निकला, जिस बूथ का वो वोटर है, एमएलए का चुनाव लड़ रहा है उसका वोट नहीं निकल रहा, तो इसमें क्या कह सकते हैं? और क्या कहना चाहेंगे, ईवीएम हटेगी नहीं हटेगी? जी बिल्कुल, ईवीएम को हटना चाहिए क्योंकि इससे लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। हाँ। और हम संविधान को खत्म होने नहीं देंगे, चाहे हमारी लोगों की जान जाए। अब देश का युवा जाग चुका है। हाँ। और ये आंदोलन करेगा, वही युवा कह रहा है जो राम को लाए वही सत्ता में वापस आएंगे। राम से कोई मतलब नहीं इसमें। हाँ। ना युवाओं का राम को लाने में बेरोजगारी बढ़ी है ना, रोजगार कहाँ, 2 करोड़ जो कह रहे थे मोदी जी झूठे, देश के सबसे झूठे प्रधानमंत्री हैं। मोदी नहीं मदारी हैं, इनको झूठ बोलने की बीमारी है। अच्छा जी, पर मोदी जी का चेहरा तो हर जगह चल रहा है ना? वो चेहरा ऐसे चलता रहेगा, ईवीएम हट जाए मोदी जी के चेहरे की औकात पता चल जाएगी। जी चले, विश्व गुरु बना रहे मोदी जी, कुछ नहीं गुरु बना पाएंगे। ये अपनी पार्टी में 4 सीटें नहीं ला पाएंगे, ईवीएम हटा दे औकात हो मोदी जी की। पर मोदी जी के चेहरे से तो पूरा खेल ही पलट, कुछ नहीं, ईवीएम का खेल है, ईवीएम का खेल है। ईवीएम हटा के दिखा दे मोदी जी, हटाए फिर चुनाव लड़े, 4 सीटें नहीं पाएंगे पूरे देश में, 4 सीटें नहीं मिलेंगी मोदी जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ईवीएम से वो बिल्कुल, अभी पंचायत का चुनाव होता है, बीजेपी कहीं नहीं दिखती, 80% दल जीत के आते हैं, क्यों?
ये सीधा सीधा ईवीएम पर पूरा उन्होंने हैकिंग प्रक्रिया शुरू कर रखी है। ये आंदोलन कितना मतलब कि बड़ा होने वाला है 24 सितंबर? ये इतना बड़ा होने वाला है, श्रीलंका का आपने स्थिति देखी थी? अब वो दिन नहीं है जब हम लोग राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री भवन में घुस के तभी हो पाएगा, क्योंकि अब सब वही हो, यहाँ कुर्बानियां होंगी, मर्डर बिल्कुल हो जाएगा। अगर ये ईवीएम नहीं हटी तो फिर जनता फिर अपना रुक गई। तो शुक्रिया बातचीत करने के लिए तमाम। यहाँ पर आज आंदोलन था कि ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। लगातार ये लोग ईवीएम को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, पर ये देखना रहेगा कि 24 से पहले ईवीएम हटेगी या नहीं, या बैलेट पेपर से चुनाव होगा या नहीं, बड़ा सवाल है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार।